पूरी गल सुनी जो आज हम लोगों ने रक्षा किडनी सेंटर से हम लोग हैं, हम लोगों ने साई मेडिकेट के साथ मिलके अंकुश जी और शंभू जी की मदद के साथ यहाँ पे एक किडनी डिजीज़ का कैंप लगाया है। इसका मेन पर्पस एक तो लोकल लोगों को जो कॉमन किडनी डिजीज़ है उसके लिए अवेयर करना, और दूसरा ये अवेयर करना कि इन सब डिजीज़ का इलाज आज की डेट में हमारे सेंटर में या जम्मू में कहीं भी आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर अवेलेबल है। इस कैंप के लिए मैं अंकुश जी और शंभू जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इतनी मेहनत करके लोगों को ये सब इन चीज़ों के लिए अवेयर किया और इतने लोगों को इकट्ठा किया कि वो यहाँ आके इस कैंप का फ़ायदा उठा सकें, और जिस तरीके की जो ट्रीटमेंट जिस तरीके की ट्रीटमेंट हम प्लान कर देना चाहते हैं उन लोगों को, वो उसका प्रॉपर फ़ायदा ले सकें। सब तो पहला मोहित जी, मैं डॉक्टर अमित सूरी हुंदा और अंकुश हुंदा धन्यवाद करना कि जिन्हें जम्मू का मतलब एडे वे डॉक्टर द इतें साढ़े ग्राई एरिए आता। इस कैंप का मेन मकसद यह है कि जोड़े साढ़े इधर बजुर्ग जोड़े ग्राई एरिए आबादी है वो के करते जल्द भी उन्हें कोई प्रॉब्लम होगा पेशाब के रिलेटड या कुछ भी या कुछ किडनी के रिलेटड, वो कमिस्ट पेशाब को जाते कोई टिक्की ले लेंगे या कोई ऐसा कर लेंगे जोड़ा उस वेला उन्हें फायदा मिलता, लेकिन उन्हें पता नहीं होंगे कि साढ़े कन्नै केह प्रॉब्लम आवा ही है।
सर कन्नै में गल की डाक्टर साहब कन्नै इन्हें आख्या ठीक है अस थोड़े इलाके आने और लोगों जो आयुष्मान के रिलेटिड जी स्कीम और भी लोगों फायदा मिलू और एक अवेयरनैस कैंप ही आने वाले टाइम उपर अस डाक्टर साहब अगर अपील करगे कि टाइम टू टाइम एक साढ़े इधर कैंप लान आने वाले टाइम उपर और भी फैसिलिटी अस आना दें नैक्सट टाइम जियां आर्थो का और बाद अस और भी कैंप अस ऑर्गेनाइज करके आयुष्मान के तहत। मोहित जी सारे को पहले अंकुश का धन्यवाद करने अंकुश शर्मा और साढ़े खोड़ के रहने वाले ने तो बड़े बार तुम देखते हो कि अखनूर में भी असी बड़ी सारिया फैसिलिटियां देंगे जियां कि साढ़े ग्राएं के लोग जो अखनूर हॉस्पिटल जाते हैं तो उत्थे कई बार साढ़े लोगों को पता नहीं चलता हॉस्पिटल जाना क्योंकि पर्ची कटानी है जो डॉक्टर को जाना है नहीं पता चलता ये उत्थे भी पूरी मदद करते हैं तो कुछ पेशेंट नहीं पता चले तो कन्नो ही जी है उस चीज़ दसी भी आते डॉक्टर की। दूर नंबर इन्हें खोड़ के बच्चे कैंप लाया पहले भी इन्हें बड़े बार कैंप लाए अज का जो कैंप लाया साढ़े लोगों लिए बड़ा ही फायदेमंद है क्योंकि साढ़े बजुर्ग जोड़े ने वो अखनूर या जम्मू जो नहीं जा सकते बड़ी बारी अस लोग की करने लापरवाही करी उन्हें अस आखने अज नहीं कल दसगे इन्हें करते करते महीना दो महीने ही आते तो बीमारियां ज़्यादा बढ़दियां इतने कैंप लगने का सब तो बड़ा फायदा ही है कि साढ़े लोग जोड़े ने वो घर बैठे दे अपने बिल्कुल कन्नै गै साढ़ा खोड़ बाजार में जिंदा साई मेडिकेयर जिंदी शॉप है इंदा क्लीनिक है उत्थे आनिए दसा करते हैं लोग तुस दिखा दे बाहर किन्ना रश है किन्ने सारे लोग आए दे ने तो अस अंकुश शर्मा हुंदा अपने टीम जियां कि साड़ी भी टीम हम साथ साथ इत्थे वर्क करा करती है अस सारे अपनी टीम की तरफा इंदा धन्यवाद करने कि ऐसे कैंप जिहड़े अग्गे भी लांदे रहन धन्यवाद। सबसे पहले मैं अंकुश शर्मा का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने गरीबों के लिए ये मेडिकल कैंप फ्री लगवाया खोड़ में। हमारे इस इलाके में कोई भी बहुत हमारा खोड़ ब्लॉक बहुत बड़ा है कोई भी मतलब फ्री कैंप नहीं होता था जहाँ पर हमारे अंकुश शर्मा ही हैं जो उन्होंने दो तीन बार ये फ्री मेडिकल कैंप लगवाया और साथ साथ में हमारे गांव में किसी को भी परेशानी बन जाती है जैसे खोड़ बाज़ार हमारा कैंप हुआ रखमलाल चकमलाल मट्टू किसी को भी आधी रात में परेशानी बन जाती है तो आधी रात में अंकुश शर्मा घर आ जाते हैं चेकअप करने। इसी से हम खुश हैं हमारे बहुत लोग आए हैं भाई बहने बुजुर्ग जिन्होंने टेस्ट करवाया आज फ्री तो यही चाहता हूँ ऐसे नौजवान आगे आए हमारे देश का बड़ा तभी हो सकता है। जय हिंद जय भारत। आपका नाम और आज साई मेडिकल स्टोर पे यहाँ पे आज एक कैंप लगाया गया है मेडिकल फ्री मेडिकल कैंप इस पर आपका क्या कहना? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है मैं शम कॉन्सेंस के रहने वाला हूँ सोशल वर्कर हूँ। आज का जो कैंप लगाया है अंकुर शर्मा ने जहाँ बहुत सारे डॉक्टर आए हैं मैं ये कहता हूँ कि इस ऐसे लड़के के जो साई मेडिक हाल है जो खोला हुआ है इन्होंने मैं इनका नाम तो पूरा नहीं जानता लेकिन इतना सुना है साई मेडिकल जो हाल खोला हुआ है कहने का मतलब है कि ऐसे लड़कों ने अच्छा काम है जो एक तो उनको रोज़गार मिला दूसरा हमें लोगों को सुविधा मिली है जो हमारे बुजुर्ग नहीं जम्मू जा सकते हैं बेचारे अनपढ़ हैं गाड़ी में जाना मुश्किल है तो उनके लिए डॉक्टर जहाँ मिल जाएंगे उनके टेस्ट जहाँ हो जाएंगे उसको टेस्ट जहाँ मिल जाएगा रिपोर्ट मिल जाएगी तो बड़ी बात है। एक आदमी वहाँ जम्मू में खजल खराब होगा परेशान होगा लैब ढूंढेगा यहाँ लैब भी सिस्टम है और लोगों को दवाई का साधन भी है और डॉक्टर भी हैं तो कहने का मतलब ऐसे यंग लड़के जो काम कर रहे हैं तो समाज के लिए अच्छा है इनका अच्छा नाम है और इन्होंने जो मेडिकल की दुकान खोली हुई है इससे हम लोगों को बहुत लाभ है क्योंकि हम बॉर्डर के रहने वाले हैं भाई ये हिंदुस्तान का लास्ट कोना है शम जो है तो इस इलाके से जब दूर जाना पड़े या जम्मू जाना पड़े तो नहीं जा सकते हमें बहुत प्रॉब्लम है। पहले तो बुजुर्ग आदमी को गाड़ी प्रोवाइड करना पड़ेगी तो आजकल आपको पता है एक गाड़ी में कितना तेल डलेगा कम से कम 1500-2000 का तेल डलेगा तो फिर गाड़ी वहाँ पहुँचती है तो बेहतर है कि ये सुविधा हमको लड़का दे रहा है तो मैं ऐसे लड़कों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और आम लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ कि ये सुविधा यहाँ उपलब्ध है हर चीज़ यहाँ है तो ऐसे लड़कों को फील्ड में आगे ऐसे और भी लड़के आने चाहिए जो हमें लोगों को फैसिलिटी मिले। हाँ सरकारी हॉस्पिटल तो हैं सरकारी हॉस्पिटलों में भी कमी है मैं आज बता देता हूँ क्योंकि मैं चौकी चौरा में गया तो वहाँ ऑपरेशन थिएटर है और खोड़ में है नहीं है क्यों नहीं है लीडरों का काम है सुधार करना चाहिए ये DDC BDC इनका काम क्या है ये भी करें ऐसे कई चीज़ें मैं नहीं बोलना चाहता यहाँ ठीक नहीं है यहाँ होता कि यहाँ एक सुविधा का लोगों को दिया है। मैं लड़के को मुबारकबाद देना चाहता हूँ ऐसे लड़के होने चाहिए ये नहीं है भाई हमें यहाँ रात को टेस्ट करवाना होगा शाम को डॉक्टर लिख देगा तो हमें जम्मू ढूंढना जाएगा इतने का टेस्ट नहीं है जितने का पेट्रोल खर्च हो जाएगा इसलिए ऐसे लड़के समाज के लिए अच्छे हैं अच्छा काम कर रहे हैं। जय हिंद जय भारत।